हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड 402 है। सो आने वाले 25th नवंबर को हमारा टर्म वन का CBSE बोर्ड की तरफ से टर्म वन का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं मैं बच्चों की थोड़ी प्रिपरेशन करा दूं, कि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन पेपर है हमारा ऑब्जेक्टिव बेस आएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए आज मैं कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के आया हूँ। इस सीरीज में हम सभी जो हमारा पार्ट टू है उसके रिलेटेड जहाँ से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें से कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके सामने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसको वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से भी हमारे कई सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो हर क्वेश्चंस को बड़ा डीपली बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। हो सकता है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव है, मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस में लेकर के आया हूँ। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको आने वाले 25 नवंबर को होने वाले टर्म वन के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की है, तो इसके थ्रू मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस लिए है वीडियो, MCQ प्रिपरेशन फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका कोड है 402। और ध्यान रहे ये टर्म फर्स्ट में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रिपरेशन करा रहा हूँ, ओके। चलिए देखते, तो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप सभी वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए, समझिए और अपने हिसाब से इसका आंसर दीजिए, और जो भी आंसर आपका है उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर कीजिए, ताकि आप फाइनली अपना स्कोर इन सारे क्वेश्चंस में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं उन सभी का स्कोर आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कितने बच्चे कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, ओके। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज, ओके। ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, टेक्स्ट फाइल, MySQL। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो क्वेश्चंस है हमारा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से है, वहाँ पर जो हमने मेल मर्ज पढ़ा था, आप सभी ने मेल मर्ज को पढ़ा होगा। तो मेल मर्ज में जो है आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए होंगे, मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, मर्ज डॉक्यूमेंट क्या होता है और डेटा सोर्स क्या होता है, ओके, जो कि तीन इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं मेल मर्ज के, ओके। तो उसमें से यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो डेटा सोर्स होता है उसमें इसमें से कौन आपका एक डेटा सोर्स नहीं हो सकता है, ओके। तो चलिए आपने गैस कर लिया होगा, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, यानी कि टैक्स फाइल, ओके। टैक्स फाइल क्यों होगा, क्योंकि स्प्रेडशीट आपका डेटाबेस हो सकता है, MySQL आपका डेटाबेस हो सकता है, क्योंकि डेटा सोर्स के बारे में आपने पढ़ा था, डेटा सोर्स क्या होता है, एक तरह की एड्रेस लिस्ट होती है, क्या होती है, एक तरह की एड्रेस लिस्ट होती है। और एड्रेस लिस्ट हम या तो स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, MySQL, क्योंकि एक डेटा किसी भी डेटाबेस में हम अपना एक एड्रेस लिस्ट या रिसिपिएंट लिस्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी डेटाबेस में हम एड्रेस लिस्ट या रेसिपिएंट्स की लिस्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं, वो आपका डेटा सोर्स हो सकता है, क्योंकि टेक्स्ट फाइल एक सिंपली नोटपैड की फाइल होती है, तो टेक्स्ट फाइल आपका डेटा सोर्स नहीं हो सकता, ओके। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा बी, यानी कि टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नॉन एज, देखिए अभी पिछला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था उसी से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसमें जो आपकी मेलिंग लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, डेटा सीट, सोर्स, डेटा सोर्स या सीट्स, अभी हमने बात किया था, तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर मुझे कमेंट कीजिए। तो चलिए आपने इसका देख लिया होगा आंसर, इसका तो सही ऑप्शन होगा डेटा सोर्स, ओके। जो हमारी मेलिंग लिस्ट होती है, जो एड्रेस लिस्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा सोर्स कहते हैं, दिस आर पार्ट ऑफ मेल मर्ज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट एज अ मॉडल टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के लिए एक मॉडल की तरह काम करता है, क्या
स्टाइल, पिक्चर्स, टैम्पलेट्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखें, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है अप्लाइंग स्टाइल इन अ डॉक्यूमेंट, उससे क्वेश्चन को लिया गया है। इसमें कहा जा रहा है इसमें से कौन किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के लिए एक मॉडल की तरह काम करता है। स्टाइल, पिक्चर, टैम्पलेट्स, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्टाइल्स। स्टाइल्स होते क्या हैं? स्टाइल्स आर द प्री डिफाइंड या प्री फॉर्मेटेड या प्री डिजाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग। कई तरह की फॉर्मेटिंग हमने पढ़ी हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेबल फॉर्मेटिंग, लिंक फॉर्मेटिंग एट्सेट्रा। वेन एवर इन दीज ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ फॉर्मेटिंग वेन एवर कंबाइंड एंड बाइंड अ बंच दीज वंस रोल एज अ मॉडल to the another document, so this is style. So सही आंसर क्या होगा इसका? Style होगा। Next question, mail merge is the process of combination document designed with the list to create multiple copies of document for each entry in the list is called save. दूसरा question है लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, वर्ड्स चेंज है। क्या चेंज है? वर्ड्स चेंज है। इसमें कहा जा रहा है मेल मर्ज एक कंबाइनिंग डॉक्यूमेंट का एक प्रोसेस है जिसमें हम मल्टीपल रिसिपिएंट्स को सेम लेटर को की कॉपी बना सकते हैं। क्लियर? तो उसके लिए जो मल्टीपल रिसिपिएंट की जो लिस्ट होती है उसको क्या कहा जाता है? मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स, फॉर्म लेवल या डेटा बेस। करेक्ट आंसर इज डेटा सोर्स, क्योंकि डेटा सोर्स हम किसे कहते हैं? जो हमारी मेलिंग लिस्ट होती है उसी को हम डेटा सोर्स कहते हैं। ओके, सो मूव इन नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेज कैन बी एडिट टू द डॉक्यूमेंट इन द फॉलोइंग वे। इसमें से किस तरीके का यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिप आर्ट गैलरी, इंसर्टिंग एन इमेज यूजिंग अ स्कैनर या ऑल ऑफ अबव। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा इसका सही आंसर? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि हम तीनों ही मेथड से अपने डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द मेल मर्ज प्रोसेस। पूरे मेल मर्ज प्रोसेस में इसमें से कौन सा मेल मर्ज का स्टेप नहीं है? रिव्यू द मेल मर्ज रिजल्ट, क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, मर्ज डेटा सोर्स, आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट। सो राइट आंसर इज आइडेंटिफाई द मेन डॉक्यूमेंट। वाई? क्योंकि हम प्रीव्यू भी देख सकते हैं मेन डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब तक मेन डॉक्यूमेंट नहीं बनाएंगे उसकी कॉपी कैसे बनेगी? मर्ज डेटा सोर्स, मेन डॉक्यूमेंट के साथ जो हम डेटा सोर्स मर्ज करते हैं उसको हम मर्ज डेटा सोर्स बोलते हैं। आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेन डॉक्यूमेंट को, ये उसका कोई स्टेप नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट यू कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेज टेक्स्ट फ्रेम्स। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कौन सा सेट ऑफ फॉर्मेट्स है जिसको हम एक सेलेक्टेड पेज टेक्स्ट या फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं? स्टाइल, टेम्पलेट, इमेज या ग्राफिक्स? बताइए बताइए क्या है? टेम्पलेट, इमेज, ग्राफिक या स्टाइल? सो राइट आंसर इज स्टाइल। ओके, स्टाइल को हम पेज पर, टेक्स्ट पर या पर्टिकुलरली फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है वेरियस फॉर्मेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ओपनिंग स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो। ओके, तो इसका सही आंसर होगा, क्या आंसर होगा? F12। क्या होगा सही आंसर इसका? F12। एरिया वेयर कट एंड कॉपीड इमेज स्टोर इज। वेरी नाइस क्वेश्चन, बताइए। क्लिपबोर्ड, रैम, रोम, इमेज बोर्ड। जब हम किसी इमेज को कॉपी करते हैं, कट करते हैं, तो वो कहाँ स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन इज क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में इंसर्ट होता है। विच ऑप्शंस हेल्प अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ एन इमेज। विच ऑप्शन हेल्प अस टू टेक ओनली पर्टिकुलर सेक्शन पार्ट ऑफ एन इमेज। इसमें से कौन सा ऑप्शन किसी
इमेज के पर्टिकुलर सेक्शन या पर्टिकुलर पार्ट और इमेज को क्या करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है, क्रॉप बैकग्राउंड रैप नैनो पेपर। ओके, तो दैट मीन्स क्रॉप इज अ राइट आंसर। इसमें से किसी पर्टिकुलर इमेज का या किस पर्टिकुलर इमेज का कोई पार्ट या सेक्शन हमें चाहिए तो उसको कट कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रिसाइजिंग हैंडल्स अपीयर व्हेन वी सेलेक्ट एन इमेज। जब हम किसी इमेज को सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने तरह, कितने टाइप्स के रिसाइजिंग हैंडल्स हमें देखने को मिलते हैं। रिसाइजिंग हैंडल, ठीक है, तो रिसाइजिंग हैंडल मीन्स 8, 6, 4, 12। तो यहाँ पर 8 ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्योंकि कोई भी रिसाइजिंग हैंडल ले लीजिए तो चार आपके रिसाइजिंग हैंड, चार तो आपके एज पर होते हैं और साइड हैंडल्स होते हैं और चार आपके कॉर्नर हैंडल्स होते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, द कॉर्नर हैंडल रिसाइज बोथ डैश एन एंड द डैश ऑफ ग्राफिक। ग्राफिक से कौन से हैंडल से, यानी कॉर्नर हैंडल से क्या क्या हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं, विड्थ एंड हाइट को बढ़ा सकते हैं, लेंथ एंड विड्थ को बढ़ा सकते हैं, नन ऑफ द अबव। तो विड्थ एंड हाइट को हम एक साथ स्ट्रेच कर सकते हैं या कम या ज़्यादा कर सकते हैं कॉर्नर हैंडल से। द रिटेन ओरिजिनल प्रोपोर्शन ऑफ द ग्राफिक प्लस क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडल। कॉर्नर हैंडल के साथ क्या दबाया जाए प्लस के साथ, जिससे कि हमारा जो वो ग्राफिक का ओरिजिनल प्रोपोर्शन है वो रिटेन हो जाए, यानी कि वापस हो जाए। क्या दबाएंगे, कंट्रोल CTRL यहाँ पर हम प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउ यू टू गैदर डेटा फ्रॉम वर्कशीट इनटू द मास्टर शीट। वेरी नाइस क्वेश्चन, दिस इज आ स्प्रेड शीट रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें से कौन सा किस ऑप्शन से, यानी कि ये सर्विस का नाम दिया गया, इसमें कौन सी सर्विस के थ्रू हम डिफरेंट वर्कशीट से डेटा को उठाते हैं और एक मास्टर शीट पर ले करके जाते हैं। तो डेटा कंसोलिडेशन, गोल सिक, सॉल्वर या टोटल डेटा, दैट मीन्स डेटा कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर, जो कंसोलिडेट ऑप्शन है वो कौन से टैब में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स डेटा टैब में आपको कंसोलिडेट ऑप्शन देखने को मिलेगा। वी कैन कंसोलिडेट डेटा बाय रो लेवल, कॉलम लेवल, वो तो पे वो नानो पे वो। तो हम जो डेटा को कंसोलिडेट करते हैं वो रो लेवल पे करते हैं, यानी पर्टिकुलर रो को सेलेक्ट करके करते हैं, या फिर कॉलम को सेलेक्ट करके करते हैं। दोनों में, रो लेवल या कॉलम लेवल, दोनों में हम कर सकते हैं। तो बहुत हो सकता है अबव, दोनों ही लेवल में हम कर सकते हैं, कॉलम रो लेवल में डेटा को कंसोलिडेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, सब टोटल डेटा अरेंज इन अरे दैट इज ग्रुप ऑफ सेल। तो सब टोटल क्या करता है, ऐड करता है डेटा को, क्या करता है, ऐड करता है। एवरेज पॉइंट क्लियर नहीं, ऐड करता है, दैट इज राइट ऑप्शन इज ऐड। सिनेरियो ऑप्शन इज अवेलेबल इन, जो सिनेरियो है, जो सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मीन सिनेरियो मैनेजर, जो ऑप्शन है वो इसमें से किस टैब में देखने को मिलेगा, डेटा, टूल्स, इंसर्ट या विंडो। तो दैट मीन्स डेटा टैब का ये ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑप्शन इज सुटेबल टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स ऑन एन अचीवमेंट। ठीक है, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट को हमें कंपेयर करना है अलग अलग इंस्टीट्यूशन या जो भी बैंक्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पर हम किस ऑप्शन की मदद से, किस फीचर की मदद से ऐसा हम कर सकते हैं। तो दैट मीन सिनेरियो फीचर्स के हिसाब से, सिनेरियो से हम उसको अलग अलग सिनेरियो बना करके रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, गोल सिंक ऑप्शन इज अवेलेबल इन टूल्स फॉर्मेट डेटा इंसर्ट। तो ये किस में होगा, डेटा में होगा। नेक्स्ट वन इज मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिंक। गोल सिंक की एलेबोरेट फॉर्म क्या है, सॉल्वर। सॉल्वर इज अ एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिंक। दिस इज अ इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। सो सॉल्वर इज अ मोर एलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सिंक, क्योंकि गोल सिंक एक पर्टिकुलर सिंगल कॉलम पे काम करता है, एक सिंगल यूनिट पे काम करता है, लेकिन सॉल्वर मल्टीपल यूनिट्स पर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट वन, सॉल्वर ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर। सॉल्वर में जो होगा वो आपका किस टैब में होगा, वो टूल्स टैब में आपका सॉल्वर बटन मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सॉल्वर जो टैब होता है बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, उसको ऑप्शन टैब में जा करके जो है हमें क्या करना होता है, उसे इंसर्ट कराना होता है। क्लियर, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डायरेक्टली आप टूल मेन्यू में जाएंगे तो आपको सॉल्वर ऑप्शन नहीं मिलेगा,
आपको उसके लिए ऑप्शन टैब में जाकर के उसे इंसर्ट कराना पड़ता है सोल्व। ओके, नेक्स्ट वन, बाय डिफॉल्ट शीट आर प्रेजेंट इन स्प्रेडशीट। बाय डिफॉल्ट जब हम किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको कितनी सीट्स वहाँ पर मिलती हैं, 1, 2, 3, 4, तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें 3 वर्कशीट देखने को मिलती है, seat 1, seat 2 and seat 3। नेक्स्ट वन, हाइपरलिंक इन स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड। हाइपरलिंक जो होता है स्प्रेडशीट में उनका हम यूज कर सकते हैं किस किस काम के लिए, टू जंप फ्रॉम वन सीट टू अदर सीट, एक सीट से दूसरी सीट पर जाने के लिए, टू जंप फ्रॉम वन सीट टू वेबसाइट, किसी सीट से डायरेक्टली किसी वेबसाइट पर जंप करने के लिए, टू जंप फ्रॉम वन सेक्शन टू अदर सेक्शन ऑफ अ सेम सीट, सेम सीट पर ही एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पर जाने के लिए हम हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, ऑल ऑफ ऑफ या इनमें से सभी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये तीनों ही काम हम हाइपरलिंक से कर सकते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग बटन नीड्स टू बी क्लिक्ड टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग अ मैक्रो। मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें से किस बटन की हमें ज़रूरत होती है? विजुअल बेसिक, मैक्रोस, रिकॉर्ड मैक्रोस, यूज रिलेटिव रेफरेंस। तो हमें मैक्रो रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो, तो द राइट ऑप्शन इज रिकॉर्ड मैक्रो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन स्टोर मैक्रो इन अ लिस्ट। स्टोर मैक्रो इन लिस्ट में इसमें से कौन सा बटन अवेलेबल नहीं होता? जब हम मैक्रो को रिकॉर्ड करेंगे तो उसकी एक सीट खुल के डायलॉग बॉक्स ओपन होके आता है, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन उसमें नहीं होता है? दिस वर्कबुक, न्यू वर्कबुक, पर्सनल मैक्रो वर्कबुक या सीट वन। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा डी, यानी कि सीट वन उस पर अवेलेबल नहीं होता। या तो दिस वर्कबुक होता है आपकी, दिस वर्कबुक मतलब जिस वर्कबुक पे आप काम कर रहे हैं इसी पर मैक्रो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या कोई नई कोई वर्कबुक बनाकर उस पर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्सनल मैक्रो वर्कबुक है जिसमें पहले से ही मैक्रो इनेबल्ड है उस पर आप जो है मैक्रो लगाना चाहते हैं, तो तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, सीट वन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो सीट वन इज़ अ राइट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड व्हाइल अ डैश लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। तो यहां पर स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट मूव्ड व्हाइल, देखिए जब टारगेट होता है, ठीक है, टारगेट पर जो हो जाए तो विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज द रिलेटिव टू द ईच अदर, रिलेटिवली वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ से इस वाले जो ऑप्शंस के लिए जो आएगा ये कहा जा रहा है, जब हम जो है देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तो आएगा आपका रिलेटिव, रिलेटिव किस में है, रिलेटिव इस पर, ठीक है। तो रिलेटिव लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड व्हाइल, एंड लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। तो यहाँ आ जाएगा ऑब्सोल्यूट और यहाँ आ जाएगा रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, जैसे हम कुछ किसी वैल्यू को कॉपी करते हैं उसमें फॉर्मूला है जो भी है, तो उसकी जो रेफरेंस होती है, जो सेल एड्रेस होती है, वो अकॉर्डिंग टू रो और कॉलम जो क्या होती है, हो जाती है, वो चेंज होती रहती है, रिलेटिवली वो उसको चेंज कर लेता है ऑटोमेटिकली। लेकिन एब्सोल्यूट क्या होता है, एक फिक्स होता है, फिक्स कंडीशन, तो वो फिक्स हो जाती है। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट वन, प्रीशा इज अ बुक एडिटर, सी वांट टू चेंज द आइडेंटिशन ऑफ ऑल पैराग्राफ एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक्स, विच फीचर सी शुड यूज टू मेक द टास्क इजी। देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रीशा है, बुक एडिटर है, वो क्या करना चाहती है, वो आइडेंटिशन को चेंज करना चाहती है पैराग्राफ में। आइडेंटिशन पढ़ा होगा आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में, और चेंज द फॉन्ट ऑल टाइटल इन द बुक, और फॉन्ट के टाइटल्स जो हैं उसका फॉन्ट भी आप वो चेंज करना चाहती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसकी मदद से वो अपने टास्क को इजी कर सके? तो क्या वो स्टाइल का यूज़ करे, क्या वो टेम्पलेट्स का यूज़ करे, क्या वो टेबल कंटेंट्स का यूज़ करे, या कंसोलिडेटिंग का यूज़ करे? तो देखिए ये डॉक्यूमेंटेशन है तो कंसोलिडेट तो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में कंसोलिडेटिंग का कोई काम नहीं है, टेबल ऑफ कंटेंट का भी काम नहीं है क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट आपका ये भी स्प्रेडशीट रिलेटेड ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अब टेम्पलेट स्टाइल में से क्या हो, देखिए आइडेंटिशन पैराग्राफ पर और टाइटल का जो फॉन्ट है वो चेंज करना है, तो फॉन्ट एंड स्टाइल, तो किस में आ जाएगा, स्टाइल ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन।
गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, गौरव एक इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया, जो अनवांटेड एरिया है इमेज का उसको रिमूव करना चाहते हैं, विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कम्प्लीट दिस टास्क, इसमें से क्या करे, वो क्लिप आर्ट करे, कट करे, क्रॉप करे या कॉन्ट्रास्ट करे, अनवांटेड इमेज को वो क्रॉप करना चाहता है तो डेट मीन्स क्रॉप ऑप्शन इज राइट। अक्षत वॉन्ट्स टू स्टोर अ हग अमाउंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज फर्म इन अ डेटा बेस, विच टाइप ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर द पर्पज, हाँ ये डेटा बेस से है तो इसमें आप अक्षत है उस एक बहुत बड़े अमाउंट में वो डेटा बेस बनाना चाह रहा अपनी फर्म का, तो वो इसमें से किस तरह का डेटा टाइप वो यूज़ कर सकता है, रिलेशनल, फ्लैट, आइदर, तो किसके लिए वो टेबल, विच टाइप ऑफ टेबल, किस तरह की टेबल वो बनाएगा, रिलेशनल बनाएगा, फ्लैट बनाएगा, आइसोलेशनल फ्लैट बनाएगा, हायरार्की बनाएगा। देखिए रिलेशनल जो होता है उसमें मल्टीपल टेबल होती है, फ्लैट में केवल एक ही टेबल होती है, फ्लैट डेटा टाइप्स का जो डेटाबेस का जो टाइप है वो आपका है बस एक्सेल स्प्रेडशीट जो आप पढ़ रहे हैं, रिलेशनल में आ जाता है एक्सेस वगैरह, रिलेशन में आ जाता है रिलेशन कर सकते हैं, तो इसका सही ऑप्शन आपका रिलेशन होगा। ओके तो थैंक यू गाइस, ये आपके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये सभी क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट हैं जो टर्म वन के लिए, तो इनको आप अच्छे से देखेंगे पढ़ेंगे, और इंसर्टेड जो भी है ये केवल एक हेल्प है, ऐसा मान के ना चलें कि एजेटेड यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इंसर्टेड जो भी टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं उस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएं, और इस किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उस रिलेटेड मुझे क्वेरी दें, जिससे कि मैं उसको पढ़ करके उस पर और ज़्यादा वर्क कर सकूँ। अभी टाइम है तो ऐसे ही 30-30 क्वेश्चंस करके मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन करा दूँ, तो लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको जो भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ पढ़ रहे हैं तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और फाइनली जिसने जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं ईमानदारी से आपने आउट ऑफ 30 आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर पा रहे हैं उसका आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में उसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट और राइट क्वेश्चंस दोनों का ही कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दें। ओके थैंक यू गाइस।